तो सबसे पहले हमने विज्ञान के बारे में बताया था, किसके बारे में, हम केमिस्ट्री पढ़े हैं या कुछ भी पढ़े, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ाया था, विज्ञान के बारे में बताया था। फिर हमने बताया था जो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और हमने बताया कि जो साइंस वर्ड है सीटिया से आया है और सीटिया शब्द का अर्थ जानना होता है। फिर हमने बताया तो साइंस दो प्रकार की होती है, एक तो हमने बताया था एक को कहते हैं सजीव विज्ञान, हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, एक को कहते हैं निर्जीव विज्ञान। और हमने बताया हमने निर्जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, निर्जीव विज्ञान में हमने दो तरीके बताई थी, एक को पढ़ाया था फिजिक्स, एक को बताया था केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ाया था पदार्थ, जिसमें द्रव्यमान होता है वह आयतन कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। हमने पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया था, एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। हमने इसके बारे में बात की थी और इसके बारे में बताया था ये पांच प्रकार का है, कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन, एक को कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बॉस बी ई सी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमने रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बताया था, रासायनिक वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को कहते हैं मिश्रण। तो हमने जो बात की थी वो मिश्र और शुद्ध पदार्थ में दो तरीके बताए थे, एक को कहते हैं तत्व और एक को कहते हैं यौगिक, एक को कहते हैं एलिमेंट और इसको कहते हैं कंपाउंड। ये जो हमने दोस्तों लास्ट क्लास में बात कर ली थी, और हमने मिश्र भी बताया था, मिश्र दो प्रकार के कहते हैं के होते हैं, एक को कहते हैं समांगी मिश्र और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्र, ठीक है। और हमने बताया था जो समांगी मिश्र होते हैं, समांगी मिश्र का ही दूसरा नाम हमने बताया था विलयन होता है, समांगी मिश्र का दूसरा नाम विलयन होता है। विलयन दो प्रकार के बताए थे हमने, एक को कहते हैं तनु विलयन, एक को कहते हैं सांद्र विलयन। हमने ये सब बात इसकी बात कर ली थी लास्ट क्लास में। जो आज के जो हमारे टॉपिक है वो रहेगा तत्व पर, कि तत्व होते क्या है और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो कृपया इसको हम सभी को मिटा देते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, आज के पर तत्व पर, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट। इसको कहते हैं एलिमेंट। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी करेंगे कि तत्व होता क्या है। यदि आपने आवर्त सारणी का नाम सुना हो, किसकी बात, किसका नाम, आवर्त सारणी का आपने सुना होगा, पेरियोडिक टेबल, क्या सुना होगा, पेरियोडिक टेबल, जिसके अंदर 118 लिखे हैं, आपने क्या सुना है भाई, 118। ये जो 118 लिखे हैं ना, उसे हाइड्रोजन लिखा है, एच एल आई लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये क्या है, ये सब क्या है, तत्व तो है, क्या है ये, तत्व तो। आवर्त सारणी में जो लिखे हैं ये किसमें लिखे हैं, मानो आवर्त सारणी में लिखे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, तत्व तो। ये जो 118 लिखे हैं ये आवर्त सारणी में, तो ये क्या है, तत्व तो है। तत्व को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, तत्व को तीन तरीके से बांटा गया है, एक को कहते हैं धातु, एक को अधातु और एक को उपधातु। आपने नाम सुना होगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। तो हम तत्व के बारे, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तीन तरीके से किया गया, कितने तरीके से, तीन तरीके से। तो सबसे पहला आता है वो होता है धातु, धातु क्या होता है, और जो सेकंड आता है उसको कहते हैं अधातु। ये आपका क्लास टेंथ का चैप्टर है, इसे धातु और अधातु जो कि फर्स्ट चैप्टर है, नहीं क्लास टेंथ में तो ये थर्ड चैप्टर है जो कि हट गया है, टेंथ में नहीं हटा दोस्तों, क्लास एट्थ में है ये जो चैप्टर हट गया है। और जो तीसरा होता है वो होता है उपधातु। तो आज हम बात करेंगे धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं। आपने थोड़ा सुना भी हो, पढ़ा भी होगा कि धातु क्या होते हैं, अधातु और उपधातु, इसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये इनके नाम है इंग्लिश में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धातु होता क्या है। आपने देखा होगा कि धातु, किसके बारे में बात कर रहे हैं, धातु के बारे में, धातु होता क्या है बता दूं। धातु को जानने से पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टीज, धातु होते क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। हम सबसे पहले इनके गुण जानते हैं, धातु को क्या जानते हैं, गुण, धातु होते क्या, प्रॉपर्टीज जानते हैं, धातु होते क्या है। सबसे पहले जो कठोर होता है, इनकी कुछ गुण पढ़ते हैं, तब हम बताएंगे इनकी धातु की परिभाषा। सबसे पहले जो धातु होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। धातु जो होते हैं अधिकतर कठोर होते हैं, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और जो सेकंड नंबर आता है, धातु को पीट पीट कर, क्या, धातु को पीट पीट कर
उनको लंबा किया सकता है, मतलब कि उसके तार बना सकते हैं। आपके घरों में होगा कॉपर, क्या होगा कॉपर से आपके घरों में जो लाइट के वायर यूज होते हैं तार, वो किसके होते हैं कॉपर के, और कॉपर क्या है धातु, क्या है धातु। तो सबसे पहला गुण है ये कठोर होते हैं, और दूसरा गुण है ये तन रहे हैं, धातु क्या हो रहा है तन रहे, तो इनमें किसका गुण है तन्यता का। सेकंड गुण है तन्यता, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है धातु के अंदर। और तीसरा गुण है आपके घर पे सोना होगा या चांदी भी होगी, आपने देखा होगा तो क्या होते हैं चमकते हैं, तो वो क्या है धातु है। तो धातु में किसका गुण पाया जा रहा है चमकने का गुण है, तो धातु में जो चमकने का गुण पाया जाता है उसको कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं धात्विक चमक। आपने देखा होगा जो एक दो तीन जो चौथा गुण है, आपने देखा होगा कि लोहे को पीट पीट कर उसकी जो चादर बनाई जाती है, क्या चादर बनाई जाती है किसी, मतलब कि पीट पीट कर उसको लोहे की, मतलब पीट पीट कर ज्यादा ज्यादा पीटते हैं तो उसकी चादर जो बनाती है उस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं वो धातु का ही गुण है ये सब, क्या है आघात वर्धनीय। ये हो गए चार गुण, कितने हो गए चार गुण। और जो अगला गुण है उसको थोड़ा जानते हैं। आपने देखा होगा कि लोहा सोना चांदी ये सब क्या है धातु है, क्या है धातु है, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। आपने देखा होगा लोहे को जब आप गर्म करते हो, क्या करते हो गर्म करते हो, तो गर्म हो जाता है बहुत, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं फिर भी वो गर्म रहता है, पर लेकिन जब हम इसको मार्कर को गर्म करें ये तो बहुत जल्दी जल जाती है, मतलब कि जलने लगती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो ये जल जाती है। पर लेकिन लोहा अपने अंदर उसमें जो हीट इसको जब हम दे रहे हैं वो क्या कर रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, तो उसका मतलब धातु ऊष्मा का क्या करते हैं ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, तो ऊष्मा का चालन करते हैं, ये ऊष्मा का चालन करते हैं, ये ऊष्मा चालन करते हैं, ऊष्मा के चालन होते हैं, ठीक है। और थोड़ा अगला गुण और बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो धातु होता है, जैसे ये मैग्नीशियम क्या है धातु है, क्या है धातु। आपने देखा होगा इस पर प्लस चार्ज आता है, कितना प्लस आता है टू प्लस आता है, ये मैंने बताया था धातु पर कितना चार्ज आता है, इस पर मैग्नीशियम पर टू प्लस आता है, इस पर कैसा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो धातुओं पर जो ज्यादातर जो चार्ज आता है अधिक मात्रा में, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल में जो धातु ही है कुछ, उन पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव, कुछ कुछ अधातु भी हो जाते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो उनमें अपवाद होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगला गुण है ये धनात्मक होते हैं, मतलब इन पर धनावेश होता है, कैसा होता है इन पर धनावेश होता है, ठीक है। अब थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं, ये कठोर होते हैं, सबसे पहला गुण है ये कठोर होते हैं, अब कठोर का मतलब है बहुत ज्यादा मजबूत, इनको तोड़ा आसानी से नहीं जा सकता। अगला गुण है तन्यता, किसका गुण है तन्यता, मतलब ये बहुत ज्यादा तनते हैं। अब हम तन्ने की बात करें तो एक ग्राम सोने को, किसको एक ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर, एक ग्राम सोने को दोस्तों 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, एक ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लंबे इसके बायर, मतलब कि लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो चमक की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सोना बहुत ज्यादा चमकता है, एंड सोना एंड चांदी ये ज्यादा बहुत ज्यादा चमकते हैं, ठीक है। और इसके एक और गुण की बात कर ले, जैसे लोहा सोना चांदी ये क्या है धातु है, इनमें करंट आता है बहुत अच्छा आता है, तो ये क्या करते हैं इनमें करंट आता है, मतलब वैद्युत के चालक होते हैं, इस गुण को बोलते हैं ये वैद्युत के वैद्युत चालकता होते हैं, इनमें वैद्युत चालकता का गुण होता है, किसका वैद्युत चालक, मतलब इनमें बहुत आसानी से करंट आता है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इस गुण को मत लिखिएगा, चाहे धनावेश इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है। ये कुछ गुण है, ये धातु के क्या है गुण, इन गुण जो मतलब कि ये गुण लग जाए किसी भी चीज में तो क्या होगा धातु होगा, क्या होगा धातु होगा। सबसे पहले आप देखिएगा जो भी कठोर होगा, जैसे हम सोने का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल सोने का, सबसे पहले बात की जाए कठोर की, तो सोना कठोर होता है ये तो आपको पता है। तन्यता सोने को मैंने बताया, देखो 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लंबा खींचा सकता है, इसके तार बनाए जाते हैं, ठीक है सोने को। और धातु चमक की बात की जाए तो इसमें बहुत ही बहुत ज्यादा चमकता है, ये तो बिल्कुल सही है। और आघात वर्धनीय, सोने को हम लोहे सोने को गर्म करें और पीटे तो इसकी चादर मतलब पतला पतला इसको बनाया सकता है, बिल्कुल बनाया सकता है, तो ये धातु की कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। और ऊष्मा का चलन, इसको हम जब तान रहे तो ऊष्मा तो इसमें दी होगी हमने, बहुत आसानी से दी होगी, ठीक है, जब तो ये तन रहा है। अब वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता मतलब इसमें करंट आ रहा है,
इसमें करंट आता नहीं आता, इसमें करंट आता है। अब सबसे बात की जाए करंट की, तो सबसे ज्यादा जो करंट आता है वो आता है चांदी में। किसमें आता है? चांदी में। चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है, चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है। चांदी के बाद जो सबसे उससे थोड़ा कम आता है करंट, वो आता है सोने में। किसमें? सोने में। और सोने के बाद जो उसमें उससे भी थोड़ा कम आता है, वो आता है कॉपर में। किसमें? कॉपर में। और कॉपर के बाद जो नंबर आता है वो आता है लोहे का, Fe का, आयरन का। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो करंट आता है वो आता है चांदी में, उसके बाद आता है सोने में, उसके बाद आता है कॉपर में, कॉपर के बाद आता है आयरन में, ठीक है। और हम धातु की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर एल्यूमिनियम पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो मात्रा में धातु पाई जाती है उसका नाम होता है एल्यूमिनियम। ये सबसे ज्यादा धातु है, मतलब ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। 7 से 8% मात्रा में क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है धातु, ठीक है। ये हो गई कुछ धातु की प्रॉपर्टीज। अब बात आती है अधातु की। जो धातु नहीं है वो क्या होगा? अधातु। जो मतलब कि अब कठोर की बात की जाए, ये अब हम अधातु की बात कर लें, किसी अधातु की, तो ये कठोर। अब हम यहाँ पे लिख लें अधातु, क्या लिख लें? अधातु। अब देखो इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। ये कैसे? ये तन्यता का गुण नहीं था। ये जो होते हैं कठोर नहीं होते, या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में पाई जाती है धातु। या तो द्रव अवस्था में होंगी धातु, या तो गैस अवस्था में पाई जाती है। ये तंते नहीं है, इनमें धात्विक चमक नहीं होती, आघात वृद्धि नहीं होते, ये ऊष्मा का चालन नहीं करते। ये मतलब कि ऊष्मा का चालन कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं भी करता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता में नहीं पाया जाता। तो ये तो हो गए अधातु, ये हो गए अधातु। तो अब हम थोड़े आपको अधातु की कुछ लाइन याद करवाते हैं। कुछ अधातु है इसमें पीरियोडिक टेबल में। और बात की जाए अब थोड़ी धातु और धातु की, थोड़ा और जानते हैं थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। धातु पर कौन सा आवेश आता है, मतलब कौन सा चार्ज आता है, धातु पर कौन सा चार्ज आता है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आया होगा, थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि धातु होते क्या और अधातु होते क्या, इनके कुछ गुण बताए थे। क्या बताए थे? गुण बताए थे। अब इनके बारे में थोड़ा और चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। पिछली बार दोस्तों अधातु के दूसरा नाम होता है गैर धातु, जो कि एग्जाम में आया हुआ था सन 2021 में, 2022 में आया हुआ था, क्लास 12th के बोर्ड में आया हुआ था, यूपी बोर्ड में, कि अधातु के नाम से नहीं आया था। किसके नाम से? गैर धातु क्या होती है? तो आप टेंशन लीजिएगा, इसको धातु अधातु कहो या तो गैर धातु कहो। क्या कहो? गैर धातु। जो धातु ना हो वो क्या है? अधातु है। अधातु का मतलब गैर धातु को या अधातु को एक ही बात है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अब अधातु की परिभाषा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं धातु कह रहे हैं, इन पर जो चार्ज आता है, चार्ज आवेश, इन पर जो आवेश आता है वो आता है धनात्मक, धनावेश आता है। कैसा आता है? धनावेश। धनावेश का मतलब आप देखिएगा, मैग्नीशियम पे 2+ आता है। ये क्या है? ये जो ऊपर लिखा है 2+, ये क्या है? धनावेश, मतलब प्लस का है तो ये धनावेश। और अधातु पर जो आता है वो आता है ऋणावेश। कैसा आता है? ऋणावेश। जैसे F पर ये नेगेटिव है तो क्या है? क्लोरीन माइनस है, तो इसको बोलेंगे ऋणावेश। ये क्या है? अधातु है, तो इस पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। और प्रत्येक पॉजिटिव और नेगेटिव से हम धातु और अधातु का पता नहीं लगा सकते, इस बात को याद रखना। क्योंकि कुछ धातुएं, कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम थोड़ा अभी बताएंगे। अब अधातु की तुम कुछ हम लाइन याद करवाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अधातु होते क्या है? अब ये कुछ अधातु की कुछ ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है एफ ओ एन सी एल बी आर आई एस पी सी एच, ये क्या है? अधातु है। हमको ट्रिक क्या है? हम एफ ओ एन को बोलेंगे फोन,
एफ ओ एन को बोलेंगे फोन, एफ ओ एन को बोलेंगे फोन, इसको बोलेंगे कल, फोन कल बारिश, इसको बोलेंगे बारिश, इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे एस पी, इसको ऐसे कैसे एस पी, सी का मतलब चोर, एच का मतलब है। अरे जो ये क्या है, ये अधातु है, क्या है ये अधातु है, कैसा बोल रहा है, फोन कल बारिश आई एस पी चोर है, फोन का मतलब एफ ओ एन, कल का मतलब सी एन, बारिश का मतलब डी आर, आई का मतलब आई, एस पी का मतलब एस पी, चोर का मतलब सी, है का मतलब एच, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गए कुछ अधातु। पर इन पर जो मैं बता दूं, इनमें कुछ कमी है, क्या है कमी है, जो अधातु इन पर सभी पर नेगेटिव चार्ज आता है, बट अधातु ये इस पर कैसे चार्ज आना चाहिए, ऋणावेश, कैसा आना चाहिए, ऋणावेश, ऋणावेश आना चाहिए। पर लेकिन हाइड्रोजन जो है, क्या हाइड्रोजन इस पर आता है H प्लस, इस पर आता है पॉजिटिव, क्या आता है पॉजिटिव, धनावेश आता है, जो इसके अंदर क्या है कमी है। पर लेकिन हाइड्रोजन अधातु है फिर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये क्या है, इसमें कमी है, अपवाद है। तो ये कुछ थे अधातु। और गैर धातु क्या होते हैं, मतलब कि गैर धातु ही क्या होते हैं अधातु। अब हम चलते हैं उपधातु क्या होते हैं, उपधातु की बात की जाए तो उपधातु को थोड़ा जानते हैं कि उपधातु क्या होते हैं। मैंने बताया धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जो जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, अधातु क्या होते हैं जिनमें दोनों का गुण होता है, किसका गुण, दोनों का गुण, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण, धातु का भी और अधातु का भी दोनों के गुण पाए जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, उपधातु के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपधातु। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।